हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी 3 बजे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मोनिका निषाद आप सभी को आज के इस नए ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार है, आप सभी को मेरा नमस्कार है। और आज हम यहाँ घर आए हैं अपने, आज हम लोग अपने अपने पूरी तैयारी के साथ हम लोग आज घर आए हैं। और घर आकर के आज हम जा रहे हैं, एक अभी हम घर पहुँच गए दोस्तों, और घर आकर के अभी हम जा रहे हैं, एक गांव जाने वाले हैं। अभी आपको बताते हैं और आप ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम लोग एक गांव जाने वाले हैं, हमारे दोस्त के कुछ विशेष योजना के तहत हम आज एक गांव जाने वाले हैं। अभी पूजा लोग इसी में कुछ बना रहे हैं और देखते हैं, कुछ शरबत वरबत खिलाएंगे तो शरबत वरबत पी लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। तो तब तक आप सभी ब्लॉग में बने रहें और किसी के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सब फैमिली मेंबर की वजह से मैं हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है और उसी के आधार पर मैं ब्लॉग में रोज़ आपके सामने आने की कोशिश करता हूं। तो यही मेरा छोटा सा प्रयास है और इसी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और इसी के साथ है ना, ये भावेश दिया गया है, भावेश का भी आगमन हो गया है। हाँ, भावेश आ गया है और भावेश को कुछ प्रोग्राम देने वाले हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ककर ओ क्या नाम है उसका, हृदय का या 70%। अच्छा सर, 70.6% है और पंकज का 55% है। बढ़िया है। तो आप वो उस प्रोटीन पाउडर को क्यों नहीं पीते हो? आप मेम्बोटी जैसे लगता है उतना नहीं, नहीं नहीं, दवाई जो है वो टेस्ट के अनुसार नहीं लगता है ना, दवाई को पीना चाहिए। डरवेल उसको पीने का कोशिश कर रहा है। जाओ, आपकी बड़ी माँ भी बुला रही है आपको। अभी वो अपने बड़े मम्मी के पास बैठा है भावेश, और भावेश जो कि जगन्नाथपुरी गया हुआ था, तो उसकी बड़ी मम्मी उसको कुछ पैसे दे रही है और अपने पापा का नारियल भी पकड़ रही है, शायद पकड़ा रही है। तो ये तो धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये उसकी बड़े मम्मी का इतने दुलार है। तो आज ये मिल रहा है हमें फिर से, या 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 ये आइए, आज फिर बेल के शरबत मिल गए और हम पी रहे हैं बेल का शरबत। पंकज तेजी से भाग रहे हैं। आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब आप क्या करने का इरादा है? आगे चल के कुछ करना चाहते हैं? कॉलेज कर लेंगे, ठीक है। और राम कुमार या बेटा पटेल सामने विमन क्या है, विमन है ले ठीक। हां
चीज ले ले रहा था ना। लल्लू खींच लेगा सुमन भी करना, सुमन भी, सुमन का भी, सुमन भी कर दे, दोनों कर दे। कुमारी कुमारी अभी कुमारी के भाई चिरंजीवी भूपेंद्र पटेल कुमारी सुमन चौधरी के मधुर रिश्ता में भगवान चमक प्रकार के कंट वाले त्यौहार कर बोलो आनंदा। भगवान उनके रिश्ते लतीरे काल तक बना रखे बोलो आनंदा। हरि बोल भगवान की जय। जय 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 सुमन बोलो आनंदा। भगवान उनके परिवार में समस्त दुख बाधा के निवारण करे बोलो आनंदा। बोले श्री भगवान की, बोले श्री भगवान की जय। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोग लौटते लौटते माने शाम हो गई, बहुत लगभग रात के करीब 10-11 बजे हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग 10-11 बजे रात को पहुँचे तो तब तक हम लोगों ने ब्लॉग एंड नहीं किया था। तो आज आपको बता दूं कि हम लोग घर पहुँच गए हैं और कल हम लोग गए थे जांजगीर चांपा जिला में गए थे हम, और जांजगीर चांपा जिला के डबरा ब्लॉक में एक गांव है खरकेना, वहां पर गए थे और हमने लड़का देख लिया और हम सबको लड़का पसंद आ गया और हमने वहां पर माने पूजा पाठ करके नारियल फोड़ दिए। अभी शादी की तिथि तय नहीं हुई है, जब भी शादी की तिथि तय होगी आपको ज़रूर हम अवगत कराएंगे। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ और मिलते हैं कल फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोग लौटते लौटते माने शाम हो गई, बहुत लगभग रात के करीब 10-11 बजे हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग 10-11 बजे रात को पहुँचे तो तब तक हम लोगों ने ब्लॉग एंड नहीं किया था। तो आज आपको बता दूं कि हम लोग घर पहुँच गए हैं और कल हम लोग गए थे जांजगीर चांपा जिला में गए थे हम, और जांजगीर चांपा जिला के डबरा ब्लॉक में एक गांव है खरकेना, वहां पर गए थे और हमने लड़का देख लिया और हम सबको लड़का पसंद आ गया और हमने वहां पर माने पूजा पाठ करके नारियल फोड़ दिए। अभी शादी की तिथि तय नहीं हुई है, जब भी शादी की तिथि तय होगी आपको ज़रूर हम अवगत कराएंगे। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूं और मिलते हैं कल फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।